आया हूँ आपकी प्यारी कामनी दीदी के लिए, इनको यूट्यूब में हेल्प कर सकता है वो सब। तो दोस्तों मैं लाया हूँ आपकी कामनी दीदी के लिए छोटा सा गिफ्ट जो इनको यूट्यूब में हेल्प करेगा। देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। मैम प्लीज ज़रा फोकस करेंगी आप। यस बिल्कुल, बैक कैमरे से कर रहे हैं। एंड और कुछ केबल का सेट यहाँ पे है, इसको चार्ज वगैरह करने के लिए काफ़ी सारी केबल है। अब इसका देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है? आओ जरा इसको। थैंक यू सो मच। और गाइज मैं आपको बता दूं, नियॉन नहीं है जो लगा लिया। नहीं इससे नहीं बता रही मैं, ऐसे बता रही हूँ इसमें लगा कहाँ है अभी। मतलब मैं बेवकूफ रखी, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि ये भी नहीं समझ पाऊँ, ठीक है? और आप मुझे देख के थोड़ा इग्नोर करना, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे वीडियो बनाने में ना ऑयल लगा लिया है, ठीक है? इसलिए थोड़ा ऐसे लग रहा होगा। ऑयल लगाते नहीं है ना, तो फिर लगाते हैं, फिर ऐसे अजीब सा। ठीक है, तो चेक हो गया? नहीं यार, अभी लगा के देखेंगे। तो मैं अपना फोन बंद करूँ? ये रिसीवर है, इसको उसमें लगाएंगे ना, इसके साथ मेरा फोन बज रहा है क्या? विकास का, ये सारी चीजें हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, दोनों तरफ से दो बॉडी गार्ड मेरे बैठे हुए हैं। इधर से पति देव जी, इधर से बेटा जी। हाँ मम्मा, प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप इसमें आ जाइए। हाँ बोल रही, इधर आकर बैठ जाओ। नहीं मम्मा, मेरे पीछे पापा, नहीं इनको इधर साइड, इनको साइड बैठ के ना खिड़की से मेरी तरफ, बहुत मज़ा आता है खिड़की पर बैठना। आपको अच्छा लगता है? हाँ ये मेरी जान को अच्छा लगता है। बाप बाप, मेरे को ये क्या जा रहा है बच्चा? ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्लाईओवर का पुल का देखने को हिस्सा है क्या? पसंद करते हो तुम? कौन सा वाला अच्छा है? ये ऐसे ड्रॉर वगैरह खींचने वाली को ऐसे खोलते हैं, ये ऐसे किचन में लगाते हैं इसको, ऐसे ऐसे ड्रॉर को खोलेंगे। कौन सा वाला? देखने वाला चाहिए। अभी मैं जा रही थी फेस वॉश करने के लिए, तो सोचा कि आप लोगों साथ ये प्रोडक्ट भी शेयर करूं कि कौन सा फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर अभी मैं यूज कर रही हूं। तो ये मामा अर्थ ने न्यूली लॉन्च किया है बीट रूट का जेंटल फेस वॉश विद बीट रूट एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर हाइड्रेट पिंक ग्लो। ये फेस वॉश है एंड इसके साथ आपको एक मिल जाएगा मॉइस्चराइजर जो कि मामा अर्थ का बीट रूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर है। ये विद बीट रूट एंड हाइलुरोनिक एसिड फोर हाइड्रेट पिंक ग्लो, यानी कि ये लगाने के बाद आपका जो फेस है ना वो पिंक ग्लो करेगा। अभी जैसे लिप्स पिंक है ना, वैसे हमारा चिक भी पिंक हो जाएगा, ग्लो करेगा, काफ़ी अच्छा शाइन करेगा। ये आपके फेस को ना 48 आवर हाइड्रेट रखेगा। आप देख सकते हो मेडसेफ है ये, ऑयल फ्री फार्मूला है। एंड आपको पता है कि मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। इसमें कोई भी इसके प्रोडक्ट में कोई हार्श केमिकल यूज नहीं किया जाता है। लाइक ये पैराबिन एंड सिलिकॉन से फ्री होता है। तो अभी चलते हैं हम आपको, और अभी ये अप्लाई करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, बिल्कुल लाइव रिजल्ट जो होता है वो शेयर करते हैं। सो गाइस, फटाफट से फेस वॉश करके हम मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये फेस वॉश है जिसमें बीट रूट है, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो बीट रूट जो है वो हमारे स्किन को नेचुरल ग्लो देता है एंड हाइलुरोनिक एसिड जो है वो प्रमोट करता है हमारे स्किन के हाइड्रेशन को और जेंटली क्लीन करता है। और ये है मामा अर्थ का बीट रूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर फॉर हाइड्रेट पिंक ग्लो। ये मेडसेफ है, 48 आवर तक आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा।
कीजिएगा। ये ऑयल फ्री है एंड लाइट वेट फॉर्मूला है, जिसकी वजह से ये आपके स्किन में क्विकली अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको अपने फिंगर टिप पे थोड़ा सा लेना है एंड आपको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखोगे, बहुत खुशी होगी, आपका स्किन जो है काफ़ी स्मूथ एंड ग्लोइंग पिंक पिंक सा हो जाएगा। इसमें बीट रूट है जो नेचुरल ग्लो देगा एंड हाइलुरोनिक एसिड है जो प्रमोट करेगा हाइड्रेशन। लाइट वेट फॉर्मूला है तो ये आपके स्किन में क्विकली अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा। ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ले रहे हैं और डायरेक्ट मामा अर्थ के वेबसाइट से ले रहे हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा ये कूपन कोड यूज करेंगे कामनी 2024। तो इसके अलावा मामा अर्थ ने अपना एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया हुआ है एंड आपको ये अमेजन, नाइका, पर्पल एंड फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। आपको सबसे अच्छी बात बताऊं क्या कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, अब आपको नज़दीकी किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, कहीं भी अवेलेबल है किसी भी स्टोर पे, और हमारे आसपास अब मामा अर्थ के स्टोर भी अवेलेबल हैं, सो आप इजीली इसे मंगा सकते हैं। सो गाइज फटाफट से लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से। और एक सबसे अच्छी बात बता रही हूँ कि आप जब भी ये प्रोडक्ट लेते हैं ना तो मामा अर्थ की वेबसाइट से, तो वो क्या करते हैं उस ऑर्डर को एक पेड़ के साथ लिंक कर देते हैं एंड उसका एग्जैक्ट पिक्चर एंड लोकेशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मामा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन जो ट्री है उसे प्लांट करने का एम रखा हुआ है। सो गाइज पहले स्कूल गए थे धनु के, फिर गए हम हैंडल लेने के लिए जो कि डोर है उसमें लगवाना है, तो उसका एक दो डिज़ाइन देखने थे। उसके बाद जब मैं आई, मेरा जो ये कबर्ड है ना बहुत भारी है, उसमें उसके बाद कपड़े आप देख सकते हो कैसे हुए पड़े हैं सारे। बस मैं सोच रही हूँ कि न्यू कबर्ड होता तो उसमें रखती, बट अभी जब तक होता नहीं है तब तक ऐसी बस। तो इसको इधर से उधर करना था बिकॉज इस रूम में काम हो रहा है। फिर भैया ने बोला कि भाभी इसको खाली कर दो ताकि इसको मैं इसको यहाँ से हिला सकूँ, क्योंकि ये हिल भी नहीं रहा है यहाँ से। तो फिर मैंने सारे कपड़े निकाले और रवीना की मदद से सारे कपड़े निकाल के मैं ले गई रखी। और मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था ना कि यार पता है क्या आजकल हो गया है कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। मतलब बाहर जाओ आओ जो धूप लगता है ना, वैसे लगता है कि यार अब कुछ नहीं, और घर में रहो तो पूरे दिन काम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ना थोड़ा सा आप लोगों को पता है गाड़ी से इन सब चीज़ों से दिक्कत है, तो इसी वजह से ऐसा हो गया कि यार किस टाइम पे बोल दिए, मैं किस मुसीबत में फंस गई। फिर मैंने क्या किया कि फिर कैसे भी फटाफट से सारे कपड़े जो हैं उनको निकाल लें और ले गए। और मतलब कि ऐसा हो गया ना वो रूम, आप लोग कह रहे थे ना कि दी रील शूट करो, ये शूट करो, वो शूट करो, लेकिन मैं कहाँ शूट करूँ। आप देख सकते हो पूरा फ्लोर ही ऐसा हुआ पड़ा है और यहाँ पर तो कपड़े ऐसे इकट्ठे होंगे ना कि आप देखोगे ना बिल्कुल चौंक जाओगे। देखो ये सारे कपड़े निकले एक कबड़ से, अभी थोड़ा बहुत उसमें छोड़ रखा है तब ये हाल है। अब मैं इन सबको मैनेज कहाँ करूँ। कुछ मैंने जो ये बेड है इसमें डाल दिया था और फिर कुछ पैकेट मैंने मंगा रखा था उसमें पैक करके और उसे रख दिया था। ये जो मेरे व्लॉग हैं ये 3-4 दिन पहले के शूट हैं। सो गाइज ये शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं घिया काट रही हूँ, घिया की सब्ज़ी वही बनानी है। और इधर जो है दाल चावल मैंने रख दिया है एक साइड बनने के लिए और बैठ के सोचा कि सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही करते हैं जब दाल चावल चढ़ा देते हैं ना तो फिर हाथ खाली हो जाता है, सब्ज़ी काट लो फिर एक तरफ छोंक दो। और उसके बाद मेरे ना बहुत सारे पार्सल आए हुए थे तो मुझे हॉल शूट करना था अमेजोन हॉल। और मैं आपको बता दूँ ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हो ना 2-3 दिन पुरानी वीडियोज़ है, तो 2 दिन पुरानी मतलब कि परसों की। तो यहाँ पर मैं सारे पार्सल जो है ओपन कर रही थी, इसमें से ये येलो वाला जो सूट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे इसका हॉल है वो है, पूरे जितने ड्रेसेस अभी देख रहे हैं ना आप या पर्स, जो भी पर्स का तो अभी आने वाला है लेकिन हॉल ड्रेस का है उसका है, तो आपको वहीं पर लिंक मिल जाएगा। जो ड्रेस आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है अच्छा है तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं धनु का जो है ना छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो उनकी छुट्टियाँ पड़ने की वजह से एक चीज़ ये हो जाता है कि वो अब सुबह थोड़े से मतलब कि वो लेट उठते हैं, और मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस है वो थोड़ा सा मतलब कि लेट है, जैसे कि 8 बजे भी अगर
उठो, अगर हस्बैंड उठेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो ऐसे आजकल टाइम चल रहा है हमारा। और ये पर्स बहुत ही प्यारा है, तो ये इस वाले पर्स को मैं देख के खुश हो गई। सामने रवीना थी, वो भी बहुत खुश हो गई थी कि दी भाभी ये तो पर्स बड़ा प्यारा है। तो मैंने बोला हाँ ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। सो गाइस, मुझे पता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, हर कदम पर खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। बाकी इसमें जो है ना पोटली वाला जो पर्स होता है, वो पोटली वाला पर्स है इसमें, कि ये वाला मतलब ये कुछ यूनिक सा लग रहा है, अलग सा इसका जो डिज़ाइन है सिल्वर में है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। फिर मैंने ऐसे दिखाया कि जब मैं हॉल शेयर करूँगी ना उसके साथ सब कुछ दिखाऊँगी। सो गाइज, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का व्लॉग है, आज का मॉर्निंग का है ये व्लॉग। और यहाँ पे मैंने बनाया था कटहल की सब्जी और बनाई थी रोटी। पतिदेव जी को ऑफिस जाना था तो उनके लिए फटाफट से मैंने सब्जी बनाई और उसके बाद उनकी रोटी सेकी और तब हमने चाय पी। और इसके बाद मैं आ गई अपने इस काल कोठरी में। यहाँ से निकालना था मुझे सूटकेस, एक सूटकेस में ना मैंने ड्राइक्लीन किए सारे कपड़े रखे हुए थे तो उसे चेंज की, क्योंकि मुझे सूटकेस का काम है। आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि क्या काम है, किस लिए ये सारे काम कर रही हूँ। सो व्लॉग में बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, दिल से आभार है आप लोगों के लिए जो आप लोग मेरे हर कदम पर खड़े रहते हो, मेरे साथ रहते हो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे ऐसे। और बस थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।